Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, 3rd Skand, Adhyay 5, Shlok Sankhya 8 se prarambh karenge. Is adhyatmik jagat mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se kripa ki aashna karte hue mangalacharan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, uska pura pura labh prapt ho sake, jo ki hai कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषित करा नवनीरधा पूरणेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्व अहम् न जानि करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसास्मरामि श्रीकृष्णगोविन्दरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि वस्वा मृतुमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति जिघासयापा यदप्यसाध्वी
लेभीदतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कामादयारुं शरणं व्रजे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय दैवाखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की गंगा श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रीय से विदुर जी की वार्ता। तो हमने कल श्लोक नंबर 7 तक ये पढ़ा कि गंगा जी जो कि भगवान के धाम से निकली हुई यह स्वर्ग लोक की नदी है, उस नदी हरिद्वार पर पहुंचकर विदुर जी की भेंट मैत्रेय मुनि से हुई और उनसे मिलते ही उन्होंने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण किया, वह ये कि संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, कामना करता है, परंतु उसके उसको सुख तो प्राप्त नहीं होता, उस ना ही उसके दुखों में कमी होती है, उसके विपरीत उसके समस्त कार्यों के द्वारा उसके दुखों में उसकी वृद्धि होती है। तो इसका अर्थ ये है कि संसारी व्यक्ति जिस वस्तु और व्यक्तियों को प्राप्त करके सुख की कामना करता है वो उनसे तो उनको सुख मिलेगा ही नहीं। तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि इसलिए कृपा करके आप ये बताइए कि हमारा असली सुख हमें कहाँ से और किस तरह से प्राप्त होगा। और मैत्रेय मुनि की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप जैसे जो सिद्ध महात्मा हैं वो तो हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही विचरण करते हैं, इसलिए हे महर्षि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए और ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे हमारे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। हे महर्षि कृपा करके ये बताइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी हैं, समस्त शक्तियों के नियंता हैं, वो किस तरह से इस भौतिक जगत में अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और किस तरह से विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, मतलब भगवान के विषय में और भगवान किस प्रकार से इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं उसके विषय में बताइए। और उसके उपरांत विदुर जी पूछते हैं कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव को अपने हृदय में धारण करते हैं और उसके उपरांत सृष्टि की रचना करके विभिन्न योनियों के स्वरूप में उनको प्रकट करते हैं, क्योंकि आप द्विजों गवों और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में जानते हैं, तो कृपया आप हमें उन्हें बताइए। और विदुर जी अपने हृदय की असंतुष्टि के विषय में बताते हैं कि मैंने भगवान के विषय में बहुत कुछ सुना है किंतु भगवान का विषय ऐसा है कि इसके विषय में जितना भी सुनते हैं हृदय कभी संतुष्ट नहीं होता, वो अधिक से अधिक श्रवण करने की उत्सुकता उत्पन्न करता है। मानो न तृप्यत्यपि श्रोवताना सुश्लोकमौलैः चरितामृतानि। तो भगवान के चरित अमृत के जैसे मीठे हैं इसलिए हृदय संतुष्ट या तृप्त नहीं होता है। तो भगवान के इन अद्भुत कार्यकलापों के विषय में आप हमें बताइए। आज हम श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। तो विदुर जी के मुख से निकले हुए इन शुभ और मंगलमय शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं। निकाय भेदो कृता प्रतीत यस्तत्त्वभेद अधिलोकनाथो लोकान लोका सह लोकपाला अचीकि पद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय वेदो शब्दार्थ यस तत्व वेदो। यस का मतलब होता है जिसके द्वारा, तत्व अर्थात सत्य, भेद अर्थात अंतर द्वारा, अधिलोकनाथ, अधिलोक का मतलब होता है जितने भी लोक हैं उनके अधिपति अर्थात राजा अधिलोक का नाथा, लोकान अर्थात लोकों को, अलोकान अर्थात अधो भागों के लोकों को, यानी ऊपर के लोकों को, अलोकान नीचे के लोकों को, जितने भी लोक हैं उनके राजाओं को के रचयिता, सह लोकपालान, सह मन उनके साथ साथ, लोकपालान उनके राजाओं को, अशिकिप्त आयोजना की, यत्र जिसमें ही निश्चित, सर्व सत्व, सर्व मतलब समस्त, सत्व मतलब अस्तित्व, निकाय भेदोधिकृत प्रतीत, निकाय अर्थात जीव, भेद अर्थात अंतर, अधिकृत अधिकार जमाए, प्रतीत ऐसा लगता है। अनुवाद, समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। मतलब यहाँ पर उद्धव जी भगवान के उस आश्चर्यजनक कार्यों को विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने प्रत्येक लोक को निर्माण किया और उनके अंदर सारे राजाओं का निर्माण किया, और जो स्थान है जहाँ प्रकृति के गुणों तथा और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, तो अलग अलग लोक हैं ना, जैसे 14 लोक हैं, तो उनको भी निर्माण किया और उनके सारे राजाओं को भी निर्माण किया। मतलब वो सृष्टि के विषय में संपूर्ण सत्य जानना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की यस तत्व वेद है अधिलोकनाथ। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना की है। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान हैं। अब एक लोक के अंदर, ठीक है, भगवान ने समस्त लोकों को रचा, और फिर भी एक लोक के अंदर हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग स्थान है। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्र में घाटियां जैसे स्थान हैं। अभी मरुस्थल मतलब कुछ रेगिस्तान है, हिम प्रदेश मतलब कुछ बर्फीले स्थान है। हम देखते हैं पाकिस्तान में कुछ कुछ रेगिस्तान है, और कहाँ कहाँ पर बहुत तेज़ बर्फ़ गिर रही होती है वहाँ पर भी जीव है ना। पर्वतीय क्षेत्र मतलब कुछ कुछ हिल स्टेशंस हैं, घाटियाँ हैं, इस वहाँ पर भी कुछ जीव रहते हैं, तो स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की, कभी ये नहीं सोचना चाहिए
कि मुझे भगवान ने यहाँ पर क्यों जन्म दिया, वहाँ पर जन्म दिया होता। तो जैसे हम कर्म करके आएंगे ना, उसी के अनुसार हमको स्थान प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हमको संबंध प्राप्त होते हैं। तो उसमें भगवान किसी की हिमायत नहीं करते, किसी के पास खातरी नहीं करते, किसी के साथ द्वेष नहीं करते। हम कुछ कहते ना लोग कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है भक्तों, खाली हाथ नहीं आए हैं हम। अपने कर्मों के अनुसार जो हमारा भाग्य है उसको लेकर आए हैं, और ये मत सोचना कि खाली हाथ जाएंगे, हम अपने कर्मों की पिटारी को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वह कर्म ही तो हमारा भाग्य बनाएंगे। और अगर इन कर्मों के बंधनों से छूटना है तो वो हरिनाम एकमात्र सहारा है। केवल एक भक्ति ही ऐसी है जिसका कोई बंधन नहीं है और उसका रिजल्ट केवल कृष्ण प्राप्ति है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रत्येक जगह पर जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेश के लोग भी उनसे भिन्न हैं, मतलब जो जो जहाँ जहाँ रहते हैं, कुछ हिमालय की घाटियों में रहते हैं वो अलग हैं, जो रेगिस्तानों में रहते हैं वो अलग हैं, जो हिम प्रदेश जो बर्फीली जगहों के लोग होते हैं वो अलग अलग, मतलब थोड़े से आपस में वो चेंज होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। इसी तरह भिन्न भिन्न लोक भी हैं। अभी ये तो एक लोक के अलग अलग जगह के बताए, जैसे पृथ्वी पर ही कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर हिम प्रदेश है, तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर सिटीज हैं, कहीं पर गांव हैं, लेकिन अलग अलग लोक भी हैं। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक तक के लोक विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं, कोई लोक रिक्त नहीं है। जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी ब्रह्मवश कल्पना करते हैं, अभी आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं खाली यहाँ पृथ्वी पर जीव है, बाकी लोकों में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे लोकों में जीव है, कोई लोक रिक्त नहीं, मतलब कहीं पर भी खाली नहीं, ऐसा नहीं कि वो खाली पड़ा हो, भगवान ने बना दिया और वहाँ पर कोई रेता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में हम भगवान को यह कहते हुए पाते हैं कि जीव सर्वगत है, सर्वगत नित्य स्थान, सर्वगत मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जीव ना हो, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित हैं। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोकों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं वे इस पृथ्वी की उपेक्षा अधिक विलासपूर्ण हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं जैसे जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, तो वहाँ के लोगों के कर्मों के अनुसार उनको उधर भेजा गया है, और वहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं, उनकी जो स्थिति है, लाइफ स्टाइल है, वो अधिक लग्जरियस है, विलासपूर्ण है। ऐसे भी लोग हैं जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहाँ रहना पड़ता है। कितना अंधकार होगा, हम सोच सकते हैं कि जहाँ सूर्य प्रकाश ना हो वहाँ पर कितनी ठंडी होगी, कितना अंधकार होगा, लेकिन हम जो जो कर्म करेंगे हमको ऐसा ही लोक प्राप्त होगा। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई हैं। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने अलग अलग लोक रचे हैं, और वहाँ के राजाओं को भगवान तो अधिपति हैं, सर्वलोक के नाथ हैं, तो उन्होंने समस्त पृथ्वी के अलावा समस्त लोकों को भी रचा है और फिर वहाँ के राजाओं को बनाया, तो उसके विषय में डिटेल से बताइए। आगे विदुर जी पूछते हैं, येना प्रजानां उत आत्मकर्मा
येन प्रजानाम उत आत्मकर्म, येन मना जिससे, प्रजानाम यानी उत्पन्न लोकों के, उत जैसा भी आत्मकर्म अर्थात नियत व्यवस्था, जैसे उनके कर्म है नियत है, उसी के अनुसार रूपा भेदानाम च भेदाम व्यदत्त। रूपा अर्थात स्वरूप तथा गुण, उनको उनके कर्मों के अनुसार स्वरूप तथा गुण रूपा। अभिदानम मतलब प्रयास, च च माना भी, विदाम यानी अंतर, व्यदत्ता बिखरे हुए। नारायणे विश्व श्रेगात्म योनि, नारायण मतलब भगवान, विश्वश्रिक अर्थात ब्रह्मांड के श्रेष्ठा, आत्मयोनि यानी आत्मनिर्भर। एतच्चनो वर्णय विप्रय, एतच ये सब, च भी नो हमसे, वर्णय वर्णन कीजिए, विप्रवर्य हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अनुवाद, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप यह भी बतलाइए कि ब्रह्मांड के श्रेष्ठा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। अभी हम जितने भी जीव हैं तो प्रकृति के अंदर तीन गुण है ना, तो उन तीन गुणों सत्व रजस तथा तमस, उनके अनुसार अपनी अपनी सहज प्रकृति की योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो प्रकृति के अंदर भी तीन गुण हैं, हम हमारा जो शरीर है वो भी प्रकृति से बनकर बना हुआ है, आत्मा तीनों गुणों से न्यारी है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के गुणों के कारण हम हमारे अंदर, क्योंकि वो गुण हैं हमारे शरीर के अंदर, तो यह साफ बता प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इसके कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार अनुसार गढ़े जाते हैं, यानी उसका स्वरूप और उसका स्वरूप तथा लक्षण, जो उसके शारीरिक लक्षण हैं वो कर्मों के अनुसार गढ़े जाते हैं। मतलब जो हमने कार्य किया वैसी हमको प्रकृति मिलती है, वैसा ही हमारे ऊपर गुण जो है वो असर करता है। लेकिन हमको, हम मनुष्य बने तो हमारा ये कार्य है कि अपने गुणों को विकसित कैसे करेंगे। अगर हमारे अंदर सत्व गुण है तो हम उसको और भी पवित्र करके उस सत्व को शुद्ध सत्व तक लेके, लेकिन अगर हमारे अंदर तमोगुण है, हमें बहुत नींद आती है, सुस्ती होती है, तो इसका मतलब हम ये नहीं आरोप लगा सकते कि भाई हमें तो हमारी प्रकृति ही ऐसी है। नहीं, हमें अपनी प्रकृति से ऊपर उठना है, तमोगुण को जैसे भी करके रजोगुण मतलब सुस्ती खत्म करके कुछ करने की प्रक्रिया, अपने अंदर उत्साह उत्पन्न करना है। ऐसा थोड़े हमेशा अगर तमोगुण में है तो बस सोए ही रहेंगे बस और कुछ कार्य वार्य नहीं करेंगे, नहीं, उसको कुछ ऐसा करेंगे, अपने अंदर उत्साह उत्पन्न करेंगे,
कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही सही, लेकिन रजोगुण में थोड़ा आकर हम प्रयास करने का प्रभाव, और जैसे जैसे रजोगुण उत्पन्न होगा, जिसका काम सिर्फ रजोगुण में ये कमाओ, ये खाओ, ये पहनो, ऐसा ही होगा, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते कि भाई हमारा स्वभाव ऐसा, हम क्या करें, नहीं, उससे आगे बढ़ने के लिए शास्त्र पढ़ने होंगे, शिक्षा लेनी पड़ेगी, सत्संग अटेंड करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो हमारी प्रवृत्ति है रजोगुण की, वो धीरे 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 सत्वगुण में आने लगेगी, और हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, शास्त्र भगवान को वो अर्पण किए हुए भोजन को, प्रसादम को स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारी उन्नति होगी। तो वैसे तो हमको जो भी गुण मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, और उसी के अनुसार हमारा शरीर और उसके लक्षण जो है वो उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद जी ने कि प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है, उसके कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं, और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ उच्च जातियों जाति के लोग श्वेत यानी शुक्ल होते हैं। अब उच्च जाति के लोग क्या है, वो थोड़े सुंदर होते हैं, और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। मतलब हमारे जैसे कार्य होंगे ना, वैसा ही हमको स्वरूप मिलेगा। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्चतर परिवार में होता है, वह धनी बनता है, विद्वान बनता है, और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त होता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है, और कुरूप शरीर पाता है। अब यहाँ से इतना समझना चाहिए कि जो धनी हैं, विद्वान हैं, सुंदर हैं, जिनका शरीर सुंदर है, स्वरूप सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब है उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पवित्र कार्य किए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कुछ निर्धन हैं, अभागे हैं, और सदैव अभावग्रस्त रहते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता, वो कितनी मेहनत करते हैं, मूर्ख रहते हैं, वो सही डिसीजन भी नहीं ले सकते, अशिक्षित रहते हैं, और बदसूरत होते, कुरूप होते हैं, तो ये उनके कर्मों के अनुसार उसको मिला है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। तो अभी विदुर जी जो हैं, तच्च नो वर्णय विप्रवर्य, उनके विषय में आप बताइए। तो उनके विषय में पूछ रहे हैं कि किस तरह से जीव अलग अलग कार्य करने के उपरांत अलग अलग शरीर, अलग अलग लक्षण प्राप्त करता है, उसका स्वभाव, स्वरूप, कार्य किस तरह से अलग अलग होते हैं। आगे आरावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि व्यास मोखादभीक्षम् अतृप्नुमाक्षुल्लसुखावहानाम् देशामृतेश कथा मृतौघा परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि व्यासमुखादभीक्षम् अतृप्नुमाक्षुल्लसुखावहानाम् परावरेशाम भगवन व्रतानि। परा मतलब उच्चतर, वरेशाम मतलब इन निम्नतरों का, भगवन हे प्रभु हे महात्मन, व्रतानि यानी वृत्तियां या पेशे, श्रुतानि सुना हुआ, श्रुतानि में व्यास मुखात, मैं मन मेरे द्वारा, व्यास मुखात मतलब वेद व्यास जी के मुख से, अभीक्षणम बारंबार,
मतलब ये जो मैं अभी आपको पूछ रहा था, उच्चतर और निम्नतर लोगों को किस तरह से शरीर मिलता है, कैसे जन्म प्राप्त होता है, उनका स्वरूप लक्षण इत्यादि, ये तो कथाएं ऐसी श्रुतानी में व्यास मुखाद भीक्षणम बार बार वेद व्यास जी ने मुझे बताया, क्योंकि विदुर जी वेद व्यास जी से बहुत कुछ सुन के आए हैं। परंतु आगे पूछ रहे हैं, अतृप्तुनम मैं तुष्ट हूँ अतृप्तुनम क्षुल अर्थात अल्प सुख आवहानम सुख आने वाला तेषाम उनमें से रिते बिना कृष्ण कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय की बातें अमृत औघात यानी अमृत से। अभी क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरह से सुनाई है, दूसरे शास्त्र जैसे सुनाए महाभारत और पुराण इत्यादि, उनमें ये सब बातें तो हैं, परंतु उनमें क्योंकि कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण की विषय में नहीं है, तो इसके लिए कृष्ण कथाओं के अमृत से मुझे संतुष्ट होना है। इन सारी बातों से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन इनको जोड़ के मुझे कृष्ण कथा के विषय में बताइए। हनुमान देखिए, हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। मैं मुझे ये सब नहीं इतना ज़्यादा आनंदित नहीं देता, मैं तृप्त हो गया, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं करते, लेकिन इन सब से अधिक मुझे ये सब कृष्ण ने किया, ऐसा कृष्ण ने किया, ऐसे करके सुनाओ, क्योंकि वो उस तरह से ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ कि मेरे कृष्ण के विषय में पता चले। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की चूँकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव श्रील वेद व्यास जी ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है, और उनकी रचना उनमें इस ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवों में अब भूल चुके। अभी देखो, लोगों को बहुत दिल करता है ऐतिहासिक के बारे में पता चले, और रोमांटिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में लोग इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं ना। आज भी कितने लोग हैं घंटों बैठ के टीवी पर ड्रामा देखते हैं, सिनेमास में मूवी देखते हैं, क्या है उसमें? उसमें यही तो स्टोरीज है ना, ऐतिहासिक घटनाएँ हैं या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो श्रील वेदव्यास जी ने क्या किया, पुराण और महाभारतम जैसे ग्रंथों को रचा, ताकि इन ग्रंथों को पढ़ने से पठनीय सामग्री है ऐसे लोगों के लिए जो सामान्य लोग हैं, जो डायरेक्ट भगवान के विषय में नहीं समझ सकते, और उनकी रचना उनमें ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी कि धीरे धीरे क्या होगा, उसको भगवान की ओर आकर्षण होगा। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवों में अब भूल चुके हैं, अब लोग बिल्कुल है ना ईश चेतना को भूल गए, ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भ की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोग में ईश भावना अमृत को जागृत करना। उदाहरणार्थ महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है, और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है, किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, महाभारत में बहुत राजनीतिक सामाजिक वो सब कथाएं हैं, तो लोग इंटरेस्टेड हैं। आजकल है ना, हरे कृष्ण, आजकल हम देखते हैं
टीवी में ऐसी महाभारत की सीरीज आती है, भगवान को अलग कर दिया जाता है, भगवान की महत्ता को नहीं बताया जाता। लेकिन कहाँ बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् भगवद गीता है। गीता और कृष्ण को महाभारत से निकाल दो फिर कुछ नहीं रह जाता उसके अंदर। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, ये सब मुझे पता है। विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महामंत्री थे हस्तिनापुर के, और उन्होंने बोला ये सब मुझे, मैं तृप्त हो चुका हूँ, अतः अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण के विषयक देवीय कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। चूंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा ऐसी कथाओं से मैं तृप्त हो गया क्योंकि उनमें भगवान के साथ सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं, वो नहीं बताई गई थी, अतएव वे तुष्ट ना हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण श्रीमद् भगवद्गीता महत्वपूर्ण है। अभी भौतिक कथाएं सुन सुन के रुचि समाप्त हो जाती है। देखो जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, आज का न्यूज़पेपर हम सुबह को पढ़ते हैं और फिर इवनिंग में दूसरा न्यूज़पेपर आता है, फिर सुबह वाला कोई नहीं पढ़ता क्योंकि वो समाप्त, उसके अंदर आकर्षण समाप्त हो गया। और वही न्यूज़पेपर कल तो रद्दी वाले को दे दिया जाता है, आज 8 रुपये का जो न्यूज़पेपर लेते हैं कल वो 2 रुपये में रद्दी वाला लेके जाता है ना, उसकी कोई महत्ता नहीं है क्योंकि संसार के जो विषय हैं वो कुछ क्षण के लिए नए होते हैं और फिर वो पुराने हो जाते हैं। परंतु भगवान के विषय में जो कथा है वो हजारों साल पहले भी नवी, दिने दिने नवम नवम, जितना जितना आप भगवान के विषय में इन शब्दों को, गीता के एक एक श्लोक को लोग 5000 साल से पढ़ते आए हैं, उस पर व्याख्या करते आए हैं, और आज भी जब हम गीता के श्लोक को सुनते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा इतना सुंदर कृष्ण ने कहा, इतना महत्वपूर्ण, इतना आनंददायक, वो और भी अधिक आनंद देता है जितना जितना हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवद्गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। साधारण व्यक्तियों को दूसरी दूसरी बातें अच्छी लगती हैं। भक्त तो कहता है कि केवल मुझे कृष्ण के विषय में सुना है तब वह कथा अमृतम। गोपियाँ कहती आपकी कथा, कथाएं तो बहुत हैं, रोचक भी हैं, मगर जिसमें कृष्ण नहीं है वो भक्तों को रोचक नहीं लगती। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो, मतलब कृष्ण से रिलेटेड बातें बताना, ऐसे नहीं बताना। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना भी सुनता है वह कम ही होता है। अभी यहाँ पर देखो भक्ति को एक तराजू में रखा गया, एक भक्त जो है उसको कैसे पहचाना जाए कि वो कृष्ण के विषय में जितना भी सुने उसको संतुष्टि ना हो, तृप्ति ना हो, वो और सुनना चाहता है। वह अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं जितना जितना अधिक सुनता हूँ उतना उतना श्रवण करने की प्यास बढ़ती है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृता
हे प्रभु, विस्तार से अपने विषय में बताइए, क्योंकि आपके विषय में श्रवण करके मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। जितना अधिक मैं श्रवण करता हूँ, उतना ही अधिक आपके इन शब्दामृत को पान करने की इच्छा होती है। उधर ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सुत गोस्वामी को कहते हैं कुछ नहीं करना, 1,000 साल तक यही सुनते रहना है, बस आप सुनाते रहिए और हम भगवान की इन मधुर कथाओं का रस पान करते रहेंगे। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुछ कुछ विश्राम कर लीजिए राजन, कुछ खा पी लीजिए। तब परीक्षित महाराज कहते हैं आपके मुख से जो जर्जर कृष्ण कथा का रस बह रहा है, उसने मुझे इतना तो आतुल कर दिया है, इतना विवल कर लिया है कि कुछ और खाने और कुछ और करने की इच्छा नहीं रहती, बस आप बोलते रहिए और मैं श्रवण करता रहूंगा। तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि भगवान का भक्त जितना भी सुनता है उसे कम ही लगता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाते हैं। अब देखा जाए तो महाभारत की कथा कितनी सामान्य है ना, उसमें कितना छल है अगर देखा जाए तो। दो अपने चाचा के बेटे, अपने दो भाइयों के संतान हैं और वह राज्य प्राप्त करने के लिए ही तो युद्ध कर रहे हैं, कभी छल से जुआ कर रहे हैं, कभी दुर्योधन उनके ऊपर घात करता है, कभी उनको मारने के लिए योजना करता है, और वो पांडव हैं वो सहते हैं और आखिर में वो युद्ध करके ले लेते हैं अपना राज्य। अगर कृष्ण को निकाल दिया जाए तो ये साधारण, केवल एक साधारण घटना रह जाती महाभारत। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य हो जाती हैं। जैसे ही कृष्ण का प्रवेश हुआ महाभारत दिव्य कथा बन गई। लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। क्या तरीका है? कि उसके अंदर कृष्ण को प्रवेश करा दिया जाए, यह सारा जगत वैकुंठ में परिणत हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से छुड़ जाए। कितना सुंदर बता रहे शिला प्रभु कि ये संसार इसीलिए बीरस है, नीरस है, इसीलिए चुभता है, इसीलिए दुखदायक है, क्योंकि वो कृष्ण से पृथक कर बैठा अपने आप को। आज जीव इसीलिए दुखी है, इसीलिए कष्ट में है, इसीलिए आज जीव को संतुष्टि नहीं है, इसीलिए वो हर जगह हर वस्तु से तृप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें वो रस है ही नहीं जो आपको आनंदित। और यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी, ये सारा जगत वैकुंठ में परिणित हो जाए यदि सारे संसारी कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा है, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना सकती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक कृष्ण कथा को श्रवण करें और इस रस के अमृत को प्रचार करें, बांटें इस अमृत को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आते यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोरा नाम। जितने भी नगर और गांव हैं वहां हर जगह पर ये कृष्ण नाम का प्रचार होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जहां तक नहीं पहुंचता वहां तक हमें पहुंचाना है, ये कृष्ण का कार्य है। याद रखिए भगवान स्वतंत्र हैं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, न मेरी
और ना आपकी, वो स्वयं प्रतीक प्रतीक घर में, प्रतीक मानव के हृदय में अपने नाम को प्रचारित कर सकते हैं, प्रतीक जीव के हृदय में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, परंतु वो अवसर देते हैं, वो अवसर इसलिए देते हैं क्योंकि वो श्रेय देना चाहते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस अवसर से लाभ उठाएं और भगवान की कथाओं का प्रचार करें, क्योंकि इसी से हमारा और संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। उसके बाद विदुर जी कहते हैं, कस्त्रीप्नु या तीर्थ पादो सत्रेषु वासोरिभिरीर्यमानात् यः कर्णनाडीनं पुरोषयातो यः कर्णनाडी पुरुषस्य यातो भवप्रदाङ्गीहरतिं चिनत्ति कर्णनाडी पुरुषस्य यातो भव प्रदाङ्गीहरति चरति। कह का मतलब है, ऐसा कौन मनुष्य है, त्रिप्नुयाति अर्थात जो तुष्ट किया जा सके, तीर्थ पद यानी जिसके चरण कमलों तीर्थ स्थल है ऐसे भगवान, अभिधानात यानी उसकी बातों से, सत्रेशु वह सत्रेशु अर्थात मानव समाज में, वह जो है सूर्य भी महान भक्तों द्वारा ईड्यमानात इस तरह पूजित होने वाला, यह जो कारण नाडीन अर्थात कानों के छेदों से पुरुषस्य मनुष्य के यात प्रवेश करते हुए भव प्रदान गेहरतिम चिनत्ति, जैसे ही भगवान की कथाएं कर्णों के छेदों से अंदर जाती है तो क्या होता है, भव प्रदान जन्म मृत्यु प्रदान करने वाला गेहरतिम पारिवारिक स्नेह चिनत्ति काट देता है। अनुवाद, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं, कस्त्रीप्नुया तीर्थ पदोभिधानात् के भगवान के चरण कमल से ही समस्त तीर्थ तीर्थ बनते हैं। उनको तीर्थ क्यों कहते जानते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान के चरण कमल कहीं कभी स्थापित हो चुके हैं, कभी रखे गए हैं, इसीलिए तो वो तीर्थ हैं। तो जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप में हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, सत्रेषु वासोरिभिरीड्यमानः, जो बड़े बड़े महर्षि हैं, जो भक्त हैं, उनकी आराधना करते हैं और ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जीव, चाहे वो संसार की समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को सुन ले, समस्त रोचात्मिक स्टोरीज को सुन ले, लेकिन जब तक भगवान के विषय में श्रवण नहीं किया जाता, मानव समाज में कोई भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। यह कर्णनाडी पुरुषस्य यातो, मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर क्या करती हैं, भव प्रदान गेहरतिम चिनत्ति, उसके पारिवारिक मोह के बंधन को नष्ट कर देती हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कथा
इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। वास्तव में भक्तों, परिवार बंधन का कारण नहीं है, वस्तु बंधन का कारण नहीं है, व्यक्ति बंधन का कारण नहीं है। उस परिवार में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में जो हमारी आसक्ति है, हमारा जो स्नेह है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। और जैसे ही हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो स्नेह का बंधन टूट जाता है, छिन्नन्ति अर्थात कट जाता है। पारिवारिक स्नेह बहिरंग शक्ति की भ्रामिक अभिव्यक्ति है। ये बहिरंग शक्ति का ब्रह्मपाश है और समस्त लौकिक कार्यकलाप की यही एकमात्र प्रेरक है। हम जो भी कार्य करते हैं इसीलिए तो करते हैं, क्योंकि परिवार के प्रति हमारा स्नेह हमसे वो कार्य करने के लिए विवश कर देता है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर को भोगना पड़ेगा। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील रहता है। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्यकलापों में लीन रहता है, तब तक ही भौतिक अज्ञानता के कारण जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है, है ना। हम भौतिक जगत की आसक्ति होती है, उसके कारण ही कार्य करते। कुछ लोग तमोगुण में होते हैं, ज़्यादातर लोग तमोगुण में कुछ जानते नहीं, अपने आप को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए जन्म लेता, कुछ नहीं जानते। और दूसरे ज़्यादातर रजोगुण में कैसे अपने जीवन को आनंदित करूँ, कैसे भौतिक भोग प्राप्त करूँ, या इस भौतिक जगत में या फिर स्वर्ग लोक में जाकर आनंद लूटूँ। तो लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते, है ना। ये जो गुण है वो हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। देहात्म बुद्धि क्या है? मैं ये शरीर हूँ और शरीर को ही संतुष्ट करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ये रजो और तमो गुण के कारण ये मोहमयी अवस्था आती है। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बहुत मूर्ख होते हैं जो रजोगुण जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अधिक होता है और वो परोपकार कार्य करते हैं। वो सोचते हैं ये प्रदान कर दूँ तो सुखी हो जाएंगे। भगवद गीता जो प्रत्येक कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। यानी शरीर तो समाप्त हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। तो चेतन जीव अर्थात अनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र राजनीति परोपकार परार्थवाद राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता यानी सत्य तथा अवास्तविकता अर्थात असत की जटिलताओं को नहीं जानता। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कल्याण तो उस आत्मा का करना चाहिए। अगर आपको परोपकार की इच्छा भी है तो किसी से भगवान नाम के लिए कहिए कि भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान से प्रेम करिए। जीव का वास्तविक उद्धार तो इसी से होगा। ये शरीर को आप कितना ही सुरक्षित रख दो, कितना ही उसको परोपकार के
नाम पर कितना ही उसकी सुरक्षा प्रदान करो, कल नष्ट हो जाएगा। परंतु ये आत्मा अगर इस जन्म में भी भगवान से दूर रही तो वापस से उसको ऐसा ही कोई कुरूप, कोई दुखी, कोई कोई बहुत ज़्यादा कष्टमय जीवन मिलने वाला है। तो किसी न यही ना कहना प्रकार यदि किसी जीव का उद्धार करना है तो कैसे है, भूरी दासना गोपियाँ कहती हैं, उद्धार कृपा करने वाला, या फिर जो दूसरों पर अनुकंपा करने का एक ही तरीका है कि दूसरों को भगवान की कथा दी जाए। वो कथा प्रदान करने वाला ही जीव जो है वो सबसे बड़ा परोपकारी है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुण के ऊपर होते हैं और सत्वगुण में स्थित हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजोगुण से कुलुषित रहता है। लौकिक सत्व सत्व अर्थात अगर यहाँ संसार में कोई ज्ञानी भी होता है या अच्छा कार्य करता है, सत्वगुण में रहकर देवताओं की पूजा करता है, तो भी वो तमो या रजो से कुलुषित होता है। मतलब वो भी आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप प्राप्त करना है, उसके लिए कार्य करना है, कृष्ण भक्ति करनी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए भगवान कहते हैं, मनुष्याणम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, उन सत्वगुण वालों में से भी कोई एक है जो कि सिद्धि की ओर बढ़ता है, और उनमें से भी यततम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, कोई एक है जो अपने सत्वगुण को रजो तथा तमोगुण की कुलुषता से बाहर निकालकर शुद्ध सत्व में आता है। लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है, और जो सत्वगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कुलुषित होने से लौकिक सत्वगुण लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनके शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सत्वगुण में रखती है, और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो सत्वगुण में कितने भी बढ़ जाते हैं लेकिन क्योंकि वो भगवान की कथाओं में आनंद नहीं लेते हैं, तो जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता जीव तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता। इसलिए कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि जब जीव कृष्ण की कथा सुनेगा तभी तो कृष्ण से प्रेम करेगा ना। अगर वो कृष्ण की कथा नहीं सुन रहा है, केवल सत्वगुण में आकर शरीर और आत्मा के भेद को ही समझकर आत्मा का कल्याण करने के लिए वो भगवान के अंदर समाने के बारे में सोचता है, तो फिर तब तक उसको कभी आनंद आएगा नहीं, मोक्ष इसमें नहीं है। ये बहुत ही तुच्छ कोटि की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, जो भगवान में लीन करना सिखाती है। लेकिन वास्तविक जो हमारे भवबंधन के, जो हमारे भवरोग की औषधि, वो क्या है, कृष्ण कथा ही हमारे समस्त रोगों की औषधि है, क्योंकि ये मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि हमको जीवों के उद्धार के लिए ये सबसे बड़ा धर्मोपदेश जो है वो सबसे बड़ा उपकार है। भगवान के विषय में बताना सबसे बड़ा उपकार है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम स्वयं भी भगवान के विषय में भगवान की कथाओं को श्रवण करें और दूसरों तक भगवान की कथाओं को पहुंचाएं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप कथा करते हो और बाकी सब लोग कथा सुनते हैं, तो बताओ कि कथा श्रवण करने में आनंद है या कथा कहने में आनंद है। तो मैंने कहा कि भगवान जो है उसकी कथा तो मिश्री की तरह मीठी है,
वो तो हर किसी को आनंद देती है। तो जब कभी श्रवण करने के लिए कोई मिल जाए तो उसको कथा श्रवण करानी चाहिए, और जब कभी सुनाने के लिए कोई मिल जाए तो उससे भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो हमें देखना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल श्रवण करते ही रह जाएं, लेकिन कभी हमको मिले कि भाई इसको सुनाना चाहिए तो वो उसको नहीं खबर, तो हमें भगवान की कथा है उनको बतानी चाहिए। और अगर कोई ऐसा भक्त है जो कि हमसे वरिष्ठ है, अधिक भगवान से, भगवान के साथ प्रेम करता है, स्नेह करता है और भगवान की कथाओं को अच्छे से बता सकता है, तो उससे श्रवण करना चाहिए। और अगर उसमें भी किसी की अधिक महानता बताई गई तो फिर गोपियों से पूछना चाहिए। वे कहती हैं तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि ब्रीडितम् कर्म शाप की। भगवान की कथा है तो अमृत की तरह है, लेकिन फिर भी श्रवण मंगलम, जो श्रवण करता है उसका तो मंगल निश्चित होगा, कहने वाले का कल्याण हो या न हो, लेकिन जो कथा श्रवण करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो महंत तो श्रवण करने वाले की ही है, लेकिन जहाँ जहाँ कथा कहने वाला न हो तो उस समय हमको भगवान की कथाओं का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम कथा कह रहे होते उस समय हम भी श्रोता होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सदैव भगवान की कथाओं का प्रचार करते रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।